दरअसल कसूरी पट्ठे को इसको लगन ने मारा हुआ है। ये देख लें तो एक कबूतर आ किसी का बैठ गया, ये काला कबूतर आया पाँच छोड़ते हुए, फुल एंड हुई है कबूतर की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। रात को भी आया हूँ तो दिन को आप भैया को दिखाया था कि कबूतर उड़ाए हुए हैं और लगड़ पड़ी थी इस पट्ठे कसूरी को। मैं तो रात को यार पता ही नहीं चला मुझे सुबह, क्योंकि मैं देख नहीं सका सामने, देख लाइटें भी जलाई हुई हैं सामने, सफाइयाँ हो रही हैं, लगता है कबूतर शबूतर बांधना है। अभी मैं छत पे आया था, मैंने ना दिन को इसे देखा ही नहीं है। दरअसल कसूरी पट्ठे, इस कसूरी को जी इधर भी लगड़ ने मारा हुआ है और टेल के ऊपर भी लगड़ ने मारा हुआ है कसूरी पट्ठे को। तो ये टेल के ऊपर देख लें, इधर से भी जख्मी किया हुआ है। ये माशाल्लाह अपना कसूरी पट्ठा था जो कि दिन को इसको लगड़ ने मारा है, तो ये माशाल्लाह आके बैठा था, माशाल्लाह बोल रहा है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये दोस्तों कसूरी पट्ठा है घर का, साथ इसके लकवे वाली मादी टैडी मादी लगाई हुई है पट्ठी घर की है वो भी। तो दिन को यार मुझे याद नहीं रहा कि इसकी देखने क्या कि पट्ठा बच गया कि लगड़ ने मारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। रात को आपको दिखाया था कि पट्ठे को लगड़ ने मारा, रात को मैंने देखा था तो अभी उसे आज नहीं पट्ठे निकाले, आज मादियाँ निकाली हुई थी। अभी पट्ठे को पायोडीन भी लगाते हैं तो फिर छोड़ देंगे उसे, थोड़े दिन अब नहीं उड़ाना क्योंकि पट्ठे को जख्म हो गया जी, तो फिर भाग जाने का खतरा है। मादियाँ उड़ाई हुई हैं, ये देख लें, ये उड़ी हैं मादियाँ, मादियाँ और बच्चे मिक्स। अभी ये भी निकालने थे, बहरहाल मादियाँ आज काफ़ी दिनों के बाद निकाली हैं तो बीच में सारे निकाल दिए तो काम फिर ख़राब हो जाएगा। ये कलर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं जो उस दिन नासी नमल को लगाए थे, अच्छा तो लग रहा है ना कलर माशाल्लाह। अभी सारों में मेरा ग्लास ही लगा दें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है नासी नंबर। बच्चा एक दो न्यू भी उड़ा हुआ है बीच में, एक बच्चा न्यू उड़ गया उधर चला गया, एक ये सामने छत पे जा गिरा हुआ बच्चा पीछे गिर गया तीन नंबर का। तो बच्चे उड़ते नहीं हैं, सोल बच्चे हैं न्यू हैं, उड़ाया पहले दिन ही उधर जा कर पीछे गिर गया छत के ऊपर। तो बाकी एक बच्चा जो न्यू है वो पता नहीं आप किधर है, मेरे ख्याल बीच में कबूतरों के बीच में ही उड़ा है वो बच्चा, इतनी ये खाती भी थी उड़ने का नाम ही लेती अब। ऐसे तो लगी हुई है पुरानी 11-12-1 तक ये हमारे पास घूमती है उड़ती है, बड़ा इस बार अभी उड़ती नहीं है। ये आ गई है माशाल्लाह नासी नंबर, आज दूसरी भी नीचे ही है सारी मारी हैं, आज थोड़े दिनों बाद साथ में उड़ाई हैं तो ऊपर नहीं जा रही इतनी। मैं दोस्तों ये देख लें बाकी कबूतर ऊपर है, जो न्यू बच्चा वो देख लें, पहले दिन ही आज उड़ा है, सिर्फ पहले दिन और पहले दिन ही घर आ रहा है, वो मनार की तरफ गया है। ये देख लें पहले दिन ही उड़ा सीधा माशाल्लाह घर आ रहा है। ये पाँच नंबर कबूतर है जिसकी इसकी जो बहन ने थी ना मादी अब चेंज की है, इसकी जो पट्ठी थी पाँच दिन जो बाहर रह के आती है आई थी ये उसी का है, ये आगे बैठ रहा है माशाल्लाह। पहले दिन ही दोस्तों उड़ा है, पहले दिन ही माशाल्लाह घर ही आगे बैठा है, वरना इधर उधर हो जाते हैं बच्चे अक्सर। दोस्तों ये माशाल्लाह जी काली चपड़ी आई है माशाल्लाह, चपड़ी आ गई चपड़ी मादी। ये दोस्तों तकरीबन मादियों का आप भाइयों को पता ही होगा मादियाँ कितनी पुरानी मादियाँ हैं, दो दो सीज़न पुरानी मादियाँ हैं। वो उड़ के आया बच्चा दूसरा भी, ये तीन नंबर का उड़ के आया उधर से, अब देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता। हवा आ गई, हवा आ गई, वैसे ऊपर होता जा रहा है। एक कबूतर भी किसी का आया हुआ है ऊपर, गुलाबी कलर लगा हुआ है एक साइड पर, बच्चा ऊपर ही हो गया दोस्तों बिल्कुल, देख लें जैसे उड़ा आप भाइयों को पता तो चल रहा होगा कि नहीं लगा हुआ, जैसे ये कुंदा मार है बारह हवा आ गई तो हवा आ गई, वैसे आप क्या पता क्या करेगा। ये किसी का कबूतर है, साथ में चीनी पट्टी है और साथ में किसी का कबूतर है, बच्चा वो ऊपर हो रहा है दोस्तों। बच्चा एक मिनट तबाह बैठ जाए आप घर फिर लग जाएगा, क्योंकि सामने छत पे बैठ के आ जाएगा तो फिर पक्का हो जाएगा तीन नंबर का बच्चा है, वो ऊपर ही होता जा रहा है हवा आ गई वैसे। और ये किसी का कबूतर जा रहा है, ये बात एक साइड पर कलर लगा हुआ। ये दोस्त दो मादियाँ आग बैठ रही हैं, एक तीस नंबर स्लेटे की है और एक शास्त्री पुरानी मादी है, ये वाला पुरानी मादी है। हैं जी दोस्तों अभी मैंने कुछ और निकाल दिए बच्चे से, ये मोतियों वाला पट्ठा है माशाल्लाह, आगे बैठ रहा है थोड़े ही नहीं है, थोड़ा सा गेड़ छेड़े लगा के बैठ रहा है साथ ही नीचे वाले पट्टों के। बच्चा दूसरा अभी तक नहीं आया इसलिए मादियाँ भी खुली हुई हैं,
मोतियों वाला आगे बैठ गया। बाकी ये देख लें, ये उड़े हैं बच्चे वो ऊपर तक, एक साथ में किसी का कबूतर आगे लगा हुआ है, घूम रहा है इधर ही, साथ नहीं आया तो अलग अलग ही उड़े, लेकिन आया हुआ है एक और। बाकी मादियाँ इसलिए बाहर छोड़ी हैं अभी तक, बच्चा उधर पीछे ही बैठ गया, बैठा जाके उस साइड पर, तो इसलिए मादियाँ नहीं बंद की। एक ये काला नीचे नीचे से कहीं आया, मैं जाल की तरफ जाता हूँ, थोड़ी सी छेड़छेड़ लगाते हैं, हो सकता है ये आज ये काला, ये उड़ा है एक मिनट, ये काला कबूतर आया पास छोड़ते हुए, फुल एंड हुई है कबूतर की। यहाँ तो लगता है रात रुका हुआ किसी का, ये चेक करें, जाल के पास जाते हैं ताकि थोड़ी सी छेड़छेड़ दें इस कबूतर को, अगर तो बैठ जाए तो फिर तो ठीक हो जाएगा, अगर बैठ गया तो फिर तो गुड है। ये आया ये आया ये आया कबूतर काला, एंड हुई है इस कबूतर की। कल भी ऐसे ही कलर का एक आया हुआ था, यहाँ तो यही था या कोई और था ये नहीं आप मुझे पता। ये आया काला कबूतर पार छोड़ते हुए, ये देख ले पार बांध रहे अपने कबूतर नीचे से, ठाफिया भी लगा रहे हैं। ये आया, ये आ गए, आ तो गया दोस्तों अब, लेकिन पार छाड़ नहीं छोड़ रहा अब उसे लगता है छत की पता चल गया, मेरी छत नहीं है ये वाली, ये देख ले डर गया दोस्तों, वो निकल गया डर के, वो दोस्तों पीछे निकल गया चला गया सीधे। बाकी अगर आता है फिर आप मैं यूँ दिखाता हूँ, वो निकल गया सीधे की तरफ, सीधे चला गया दोस्तों, काला कबूतर बैठते हुए निकल गया सीधे। हैं दोस्तों कबूतर निकल गया था, ये देख लें हाइट पे हो गए, दोबारा कबूतर आया हुआ है, ये चेक करें, ये जा रहा है, वो निकल गया पीछे पीछे। ये दोस्तों एक आ गया जौनसरे कबूतर का, 35 वाले कबूतर का जी बच्चा, ये आगे बैठ गए। तो ये उड़ा है 3 नंबर का बच्चा, ये आ रहा घर की तरफ सीधा, ये जी माशाल्लाह पार छोड़ ले सीधा घर के ऊपर आ गए, पता ऐसे है अपनी छाती इस तरफ है, वो पीछे बावे के जाल के करीब ही बैठा, वो उधर नहीं गया। ये आ गए माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह जाल के ऊपर आके बैठ गया, 3 नंबर का बच्चा जो बाहर गिरा हुआ था। बाकी दोस्तों ये था वो टैडी पट्ठा, एक सफ़ेद आँखों में पकड़ा हुआ था, ये मैंने अभी भी खोला है, इसके पर देख लें, अभी मैंने खोला है, इसे बाहर छोड़ दिया, वो जाके फट्टों के ऊपर बैठ गया। 2-3 दिन हो गए ऐसे बांध के बाहर छोड़ता हूँ फट्टों के ऊपर बच्चों के साथ ही। दोस्तों एक कबूतर आ किसी का बैठ गया, बिल्कुल गुल्लू पे है, ये देख रहे हैं ये न्यू लैस हुआ कबूतर आके बैठा किसी का, छेड़छेड़ लगाई है, डंडा छंडा रखा है पास, कबूतर बच्चे सारे ऊपर बैठाए हुए हैं। तो एक कबूतर आके किसी का बैठ गया सामने जाल पे, अभी इसे बंद करते हैं, तो साथ में आप भाई दिखाते हैं अपने सारे बैठ गए। ये आगे किसी का ऊपर से आया है तो आगे साथ ही बैठ गया, तो अभी मैं कैमरा स्टैंड पर लगाता हूँ। लें जी दोस्तों पकड़ा गया, ये भी आपको इसका शौक भी कराते हैं कैसी चीज़ है। लें जी दोस्तों ये वो कबूतर है जो के पकड़ा है, चेक करें माशाल्लाह, क्रीज डला हुआ कबूतर है, किसी का भागा हुआ है, क्रीज भी डला हुआ है, 2 नंबर पे गुल्लों पे है, कच्चे गुल्ले हैं, इधर से पारी नहीं है, इधर से कटा हुआ है, हाँ जी इधर से कटा हुआ है 2 पार इसके, इधर से बाहर से कनियाँ सारी आ रही हैं, कच्ची हैं अभी, किसी का भाग आया नहीं हूँ। बाकी और भी बहुत ज़्यादा कबूतर आए हुए थे लेकिन कोई कबूतर नहीं बैठा बूठा, इस साइड से भी कच्चा ही है बिल्कुल, चेक करें। बाकी ये टेल है इसकी, तो अगर किसी भी भाई का और रब्ता कर ले कबूतर मिल जाएगा। बाकी ये पंजे हैं,
और ये इस कबूतर की आँख है माशाल्लाह। अच्छा कबूतर है किसी का, ऊपर से आया गोल ही हो गया, आगे बैठ रहा था बिल्कुल ही। बाकी जी क्रीज में डला हुआ है जिसकी वजह से किसी का भाग गया है। इस साइड पे हल्का सा गुलाबी कलर है, इस साइड पे गुलाबी है, बाकी ये कबूतर है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।